क्लास 12 के मैथ में प्रश्नावली, प्रश्नावली 5.3 निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटा dx ज्ञात कीजिए। माना कि यहाँ पर माना कि मत करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 dy/dx प्लस 3 dy/dx बराबर dy/dx साइन x। यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो 2 × 1 यहाँ पे करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू dy/dx क्योंकि यह नहीं टूटेगा। और यहाँ पे साइन किस में टूटता है, कॉस x में। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 तो 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 dy/ कितना हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा cos x, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। 3 dy/ कितना हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा cos x, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस। इसलिए dy/dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2/ यहाँ पर हो जाएगा 3। यह हम लोग को हो जाएगा आंसर। यह पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब दो नंबर क्वेश्चन है, 2x + 3y = sin y। अब हम लोग को इसको बनाना है। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 dy/dx x प्लस 3 dy/dx यहाँ पर हो जाएगा dy/dx साइन y इंटू dy/ कितना कर दीजिए dx। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 इसका मान हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 dy/dx बराबर ये हो जाएगा cos y dy/dx। अब इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, 2 = cos y dy/dx माइनस 3 dy/dx 2 समा निकाल दो, cos y दोनों में से dy/dx कॉमन निकाल, तो cos y माइनस 3 dy/ कितना हो जाएगा dx। अब देखिए इधर ये गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो dy/ कितना हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 2 cos y - 3 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ax + by² = cos y दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 dy/dx प्लस बी dy/dx y² = dy/dx cos y इंटू dy/dx कर दो यहाँ पर, a + b 2y dy/
डी एक्स कॉस माइनस साइन में टूटेगा, डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे शांत रहो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर ए हो जाएगा प्लस टू बी वाई, डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब यह एक जाति के इधर लेके चलिए, ए बराबर माइनस साइन वाई माइनस टू डी वाई, और यहाँ से हम लोग का कॉमन हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स। इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा ए बट्टा माइनस साइन वाई प्लस टू बी वाई, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, नोट कर लीजिए।